औरंगाबाद सिटी में आज आए हैं। यहाँ पे है फूड स्ट्रीट, गोलगप्पे, साथ में पापड़ी चाट। आज वो पापड़ी चाट खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, फ्रूट चाट भी आएगी। तो कुछ खाना वाना करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ पे कुछ और देखेंगे। तो यहाँ पे कैसे गोलगप्पे बनते हैं, गोलगप्पा चाट स्पेशल। वाह चाचा, चाचा इसमें आप क्या क्या डालोगे? अभी ठहर जाओ, मसाला डालूंगा। अच्छा, अभी मसाला भी तैयार हो रहा है। वाह, ठीक है ना, आप खा के फिर बताना। ये हरुणाबाद की स्पेशल डिश है। इसमें पहले मतलब सामान वगैरह डाल के फिर मसाला डालेंगे। इसमें अभी दही वगैरह भी डालेंगे? अभी डालूंगा अभी। अच्छा अच्छा, अभी मसाले और भी डालेंगे थोड़ा। ये क्या डाला आपने? ये है मसाला। अच्छा, इसमें क्या क्या मसाले में क्या क्या मिक्स है? इसमें है आलू बुखारा। अच्छा, आलू बुखारा, और इसके अलावा क्या डालेंगे? अच्छा, ये किस चीज़ का मसाला है? ये बना बनाया मसाला आता है, चाट मसाला। चाट मसाला बना बनाया, एक भी नहीं डालते, वो एक कम खाता है ना प्याज जी। चाचा ये अभी दही डाल, दही डालेंगे बस। अब मसाला मैंने डाल दिया, ठीक। और ये होगी रेडी, बस अभी हम खाएंगे इसको। वाह, की मशहूर पापड़ी और ये गोलगप्पा हमारे पास आ चुका है। कादर भाई खा रहे हैं बड़े मज़े से। कादर भाई ये क्या है? ये है औरंगाबाद के कौड़ा पानी। कौड़ा पानी, हाँ। आप इसमें डालोगे? वाह मज़ेदार। ये शाहजी का हमारे पास आ चुका है स्पेशल पापड़ी चाट। अभी इसको हम मिक्स करेंगे। तौफीक भाई जरा मिक्स करने, इसको टक टक करने, इसका कैसे मिक्स किया जाता है हम आपको तरीका भी बताते हैं। वाह, एक प्लेट ख़त्म नहीं हुई भाई की, दूसरी आ गई भाई की। वाह, बड़ी टेस्टी पापड़ी चाट। ये शॉप है, यहाँ पे सब चीज़ें 100 रुपये की। हमने तो बच्चों की शॉपिंग कर ली, अच्छे अच्छे खिलौने लिए। हमारी ये शॉपिंग हो गई। मुझसे दो जवान गायब हो गए थे, इन्होंने शॉपिंग की है, पता नहीं लिया क्या है, अभी देखेंगे। ये भाईजान आपने क्या लिया है? भाईजान क्या है इसमें, है क्या अचार? ये इस बंदी की शरारत है, हम क्या, हम अचार खिलाता है।
यहाँ पे मशहूर सरसों का तेल मिलता है और हरुणाबाद में सबसे पहले ये दुकान थी। अभी तो इन्होंने बोर्ड शोर नया लगाया हुआ है, नज़ीर अहमद आटा चक्की, इसके पास सब कुछ मिलता है, मतलब मुरब्बे वगैरह भी और मसाले वगैरह भी, अचार भी। अभी आपको दिखाते हैं, ये सरसों का तेल है, प्योर तेल देसी। वाह, यहाँ पे आटा पिसाई जाता है। यहाँ पे मसाले बनाए जाते हैं देसी, ये इनका देसी अचार। लसूड़ा अचार, ये इसको कहते हैं लसूड़ा अचार, और ये इस बंदे को पसंद है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको अभी इसकी तारफ करेगा कादर भाई। ये अचार के क्या सिस्टम है, तेज बोलना, यहाँ शोर है। ये बहुत ही हरुणाबाद के स्पेशल देसी सरसों का तेल मिलता है और अचार मरब्बे वगैरह हर किस्म की प्योर चीज़ यहाँ पर मिलती है। अक्सर पिशावर से यहाँ पर हम लेकर जाते हैं तेल और अचार वगैरह, पिशावर भेजते हैं। अच्छा जी, गुड। ये सरसों की तेल की मशीन है, ये सरसों की फसल इसमें डालते हैं, उससे कल निकलता है और सरसों का तेल निकलता है। जो सरसों का तेल है ना, वो बहुत ही मतलब, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि तेल कैसे निकलता है। ये है सरसों, इसको लोग सरसों कहते हैं, इसको डालते हैं मशीन में, डालते हैं और फिर इस मशीन में इसको यहाँ डालते हैं और बार बार डालते डालते यहाँ से गंद निकालते हैं उस साइड से। भैया तेल कहाँ से निकलता है? अच्छा, तो यहाँ से तेल निकलता है नीचे और यहाँ पे जाली लगी है, फिर इसके अंदर जाता है, फिर इसकी सफाई होती है। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला गुड। तो ये हमने पिशावर के लिए शॉपिंग की, यहाँ से ओरिजिनल सरसों तेल लेकर जा रहे हैं, देसी प्योर। अभी तकरीबन हम आधी डिग्गी तो हमारी तेल से भर चुकी है, सरसों का तेल, हरुणाबाद की सौगात, अचार वगैरह, अभी और भी कुछ लेना है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। हम अभी यहाँ पे हरुणाबाद में इस तरह सोडा मिलता है शावर की नस्बत, अभी हम रास्ते जा रहे हैं, हमने सोडा ले लिया और रास्ते में इसको पियेंगे और फिर जाके लेट हो गया है, जाके सो जाएंगे, थक गए हैं। और आज की वीडियो हमारी इसी जगह पे एंड होती है और हमें दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।